आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने। दोस्तों मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कॉल किया और हम लोग जा रहे हैं अभी फिशिंग करने। दोस्तों व्लॉग में बिल्कुल बने रहिएगा दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। सो सुबह मैं जिम नहीं जा पाया दोस्तों, क्योंकि कुछ रीज़न था इसलिए जिम नहीं जा पाया। मैं अब शाम के जिम जाऊँगा और व्लॉग में बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और तो और चलेंगे हम लोग। अभी मुझे कपड़ा वपड़ा पहनना है, अपने ऊपर का टी शर्ट नहीं डाला हूँ, सिर्फ अभी जीन्स पहना हुआ देख सकते हैं दोस्तों। और टी शर्ट पहनना, उसके बाद निकलना है दोस्तों, क्योंकि फ्रेंड्स लोग हमारे वेट कर रहे हैं। तो चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बने रहिएगा, व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं सोचा था ऊपर पे टी शर्ट डालूंगा, लेकिन मुझे एक शर्ट काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स। सो गाइस, ये शर्ट मैं पहना हुआ रेड वाला, काफ़ी ऑसम रेड है और इसमें काफ़ी अच्छा फोटोशूट भी आता है और वीडियो तो ऑसम ही आते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं अभी रेडी होता हूँ और रेडी होकर मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। तो दोस्तों बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा व्लॉग में, मैं तब तक इसे पहन लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, हो गया मेरा और ये शर्ट, बताइएगा कैसा लग रहा है। और शर्ट काफी ऑसम लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम। सो गाइस, अभी ये गेटअप मेरा देखिए कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, बताइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम लोग, काफी लेट हो चुके हैं आएंगे फिशिंग के लिए। तो मेन जो फिशिंग का होता है उसको शायद एक, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा सर, ये देखिए दोस्तों, इसी से काफ़ी ये मूवमेंट हो रहा है, इसी से मछली खाएगा और हुक में फंस जाएगा दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में, पॉन्ड के पास, और वहाँ पे हम लोग अपना फिशिंग का आपको सारा लोकेशन, सिनेमैटिक वगैरह जो भी आपको सब देखने को मिलेगा। चलते हैं। देखिए मेरा फ्रेंड लोग वहाँ तेल भरा रहा है, जैसे तेल भराएगा वैसे हम लोग निकलेंगे फिशिंग के लिए। और हमारा लोकेशन रहेगा खंडोली का दोस्तों, तो हम लोग चलेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में। और आपको मैं अभी लोकेशन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पर अभी फिशिंग करेंगे, ये जगह में ये हमारे फ्रेंड्स लोग हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे फिशिंग होते हैं। सो गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है फिशिंग में, व्लॉग में बिल्कुल बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है दोस्तों। सो मिलते हैं हम लोग फिशिंग जब भी स्टार्ट करेगा, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। दोस्तों ये लोग अभी फिशिंग कर रहा है, तो अगर कोई भी मछली पकड़ाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उसके बाद तब तक के लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हो जाएँ।
कुछ लोग ये देखिए दोस्त, इसे कहते हैं बंसी। ये बंसी लगा के रखे हैं, जब फिश उसे खाएंगे तो वहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। जब फिशिंग, जब फिश को पकड़ा जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा दोस्त। ये देखिए इसे कहते हैं बंसी। सो गाइस, अभी तक तो कोई फिश पकड़ाया नहीं है, बट जैसे ही पकड़ाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे यहाँ का लोकेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे और गाइड लेना है, गाइड भी छूट चुका है फिशिंग के चक्कर में। और ये ब्लॉग आपको लोग कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस ब्लॉग के चक्कर में मैं अपना डाइट भी छोड़ दिया हूँ। और डाइट छोड़ना सही बात नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग शूट होना जरूरी है। आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ पोस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैं बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप घर बैठे इंटरटेन हो सकें। तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या होता है, और फिश पकड़ा था वैसे आपको इन्फॉर्म करूँगा, ज़रूर ब्लॉग में बने रहिएगा बिल्कुल। तो गाइस हमारा फिशिंग हो गया है, बहुत ही अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि फिशिंग हम लोग एक भी मछली नहीं पकड़ाया है, क्योंकि हम लोग गलत टाइम पर आए हैं। तो दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए और मेरा जिम का भी टाइम हो रहा है। सो अभी 7 बजे रात को मैं जिम जाऊंगा, पहले अपना डाइट लेना है सारा, स्प्राउट्स वगैरह खाना है। और फिशिंग के चक्कर में मेरा सारा डाइट भी छूट चुका है और मुझे बहुत जोर भूख भी लगा है। सो दोस्तों ब्लॉग में बनने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम लोग ऐसे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।